हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त DJS के फिर से लेकर आया एक नई वीडियो। यह वीडियो होने वाली है हमारे 15 इंची 4 इंची वॉइस कॉल के अंदर जो स्पीकर तैयार होता है उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है वह जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है भाई, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिएगा, ये होने वाली है हमारी मैगनेट। इसकी फ्रंट की लुक कुछ ऐसी होने वाली है, साथ ही साथ बैक में देखिएगा इस तरह की होने वाली है गाइज। ठीक है, ये हमारी 4 इंची वॉइस कॉइल के अंदर है और साथ ही साथ देखिएगा इसमें वॉइस कॉइल के एयर के लिए भी, वेंटिलेशन के लिए भी यहाँ पे होल दिया गया है। चलते हैं इसके चेसी की तरफ, जिसे छज्जा भी बोला जाता है। ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह का रहता है। ये आपका एल्युमिनियम के मेटल में बना होता है, काफ़ी हैवी ये होता है और अच्छा होता है। फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। इसमें दोनों साइड आपको टर्मिनल लगाने का ऑप्शन दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखिएगा बैक में कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है गाइज, इसके अंदर हम अपना मैग्नेट रख के फिक्स करते हैं। ठीक है, जब आपको स्पीकर बनाया बताया जाएगा बनाने के लिए, तो तब आपको दिखाया भी जाएगा। ये इसका पेपर कोन है दोस्तों, इस तरह का ये कुछ रहता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेपर कोन है। पेपर कोन की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। ठीक है, पेपर कोन में कोई दिक्कत नहीं है। आगे से कुछ ऐसा ही दिखता है। अब इसकी बैक लुक की तरफ हम चलते हैं। बैक से देखिएगा ये इस तरह का कुछ दिखता है। क्वालिटी दोस्तों ज़बरदस्त रहने वाली है। क्वालिटी की बात करें तो देखिएगा 15 इंची डबल स्पाइडर के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह है इसका पहला स्पाइडर है जो नीचे की तरफ रखता है दोस्तों। ये आपका यदि वॉइस कॉल में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है तो थोड़ी कटिंग वगैरह भी आप हल्की फुल्की कर सकते हैं, वैसे फिक्स होता है। ये इसका दूसरा स्पाइडर होता है दोस्तों, जो कि हैवी और डबल में होता है और ये ग्लू वाला है। ठीक है, फाइबर वाला जो ग्लू वाला होता है, अच्छी क्वालिटी वाला, वो ये है। ये आपके रिंग के नीचे लगता है। ठीक है, ये ऊपर वाला है। देन ये आता है इसका रिंग, जो कि नीचे वाले स्पाइडर को दबाता है। ठीक है, और ऊपर वाला स्पाइडर इसके ऊपर रखता है। ये इसकी वॉइस कॉइल है। देखिएगा दोस्तों, ये बारीक वायर वाली हाई टेम्परेचर वाली वॉइस कॉइल है। इस वीडियो में मैं आपको दो तरह की वॉइस कॉइल दिखाने वाला हूँ। ये भी अपनी 600 वाट में ही आती है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसमें अंदर जो लगा हुआ है वो एल्युमिनियम का मेटल वाला पेपर जो होता है वो इसमें लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिएगा ये दूसरी अपनी वॉइस कॉइल है जो कि खुद से असेंबल की हुई है। ये अपनी 600 वाट में ही है, लेकिन ये थोड़ा वायर जो है थोड़ा मोटा, इसलिए आपको ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी दिख रही होगी, ज़्यादा वायर वाली। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इसकी डस्ट कैप की तरफ। डस्ट कैप कुछ इसकी इस तरह की रहने वाली है दोस्तों। डस्ट कैप की क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है दोस्तों। दोनों साइड से आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी डस्ट कैप है। अब साथ ही साथ वायर बात करते हैं इसके वायरों की, जो हम अपनी वॉइस कॉइल से और कनेक्टर पर जाके कनेक्ट करते हैं। वायर आप देख लीजिएगा, आपका रेड ब्लैक होता है। ठीक है भाई, कलर कोड के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। ठीक है, वो स्पीकर के कनेक्शन के वक्त आपको बताया जाएगा। ये देखिएगा, ये होती है इसकी रबड़, जो कि आपके कोन के ऊपर जो है लगती है, तो इसे अच्छे से चिपका दिया जाता है, सुंदरता के लिए यूज़ की जाती है। ये होता है इसका टर्मिनल। टर्मिनल भी आपको ब्लैक और रेड कलर में देखने को मिल जाएगा। टर्मिनल पे कलर कोड आपको दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये वायर लगाना होता है। यही सब मटेरियल जोड़ करके एक स्पीकर तैयार होता है। यह स्पीकर दिखने में कैसा होता है यह भी आपको दिखाता हूँ कि कम्प्लीटली कैसा होता है फ्रंट और बैक से। ठीक है गाइस, तो वीडियो में इतनी ही जानकारी है। अब तो चलते हैं स्पीकर की फ्रंट लुक की तरफ दोस्तों। फ्रंट लुक कुछ इस स्पीकर की इस तरह की रहने वाली है, आप देख लीजिएगा। अब साथ ही साथ आपको इसकी बैक लुक और टर्मिनल वायर की लुक दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा इस स्पीकर की बैक और टर्मिनल लुक कुछ ऐसे रहने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में स्पीकर से रिलेटेड जो ये जानकारी है, ये आपको टोटल सामान इसमें क्या यूज़ होता है वह जानकारी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको स्पीकर ये कैसे बनाया जाता है यह भी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपको कोई क्वेश्चन कर रहे तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय बाय दोस्तों।